आज का हमारा वर्ड ऑफ द डे सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट से रिलेटेड है। शब्द है कैनर्ड, जो कि एक संज्ञा यानी कि नाउन है। हिंदी में इसका मतलब होता है झूठी अफवाह, इंग्लिश में आप इसे कह सकते हैं एन अनफाउंडेड र्यूमर्स और स्टोरी। आइए इसके सिनोनिम्स यानी कि समान अर्थ रखने वाले शब्दों को देख लेते हैं। इसके सिनोनिम्स हैं होक्स, र्यूमर, फैब्रिकेशन एंड एक्सजरेशंस। आइए इसके एंटोनिम्स यानी कि विपरीत अर्थ रखने वाले शब्दों को देखते हैं। इसके एंटोनिम्स हैं ट्रस्ट एंड ऑनेस्टी। अब इसका सेंटेंस में आप किस प्रकार से इस्तेमाल कर सकते हैं उसे देख लेते हैं। तो अंग्रेजी के सेंटेंस में आप लिख सकते हैं अ कैनर्ड इज विंग स्प्रेड अगेंस्ट सीए वाई सम पीपल सेड यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि कुछ लोगों के द्वारा सीएए के खिलाफ झूठी अफवाह फैलाई जा रही है। तो आप इस शब्द का इस्तेमाल सेंटेंस में किस प्रकार से करेंगे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और साथ ही हमारे चैनल जीत अकेडमी 247 को सब्सक्राइब करना ना भूलें।